ओके गाइस, गॉडसन एंड क्विक मॉडल के बाद हम लोगों को इसका मॉडल तो पता चल गया कि किस तरीके से इसकी जो है वो शेप पाई जाती है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं मालूम था कि आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है। यानी कि अब आगे से आगे हम लोगों ने डीएनए, जाहिर है उसकी भी तो आगे हम लोगों ने कॉपीज बनानी है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन के पास जा सकें, तो किस तरीके से जो है वो डीएनए बेसिकली रेप्लिकेट करता है ये हम लोगों ने बाद में जाना। अकॉर्डिंग टू अवर बुक हमारे पास जो गॉडसन क्विक मॉडल के इमीडिएटली बाद जो है वो कॉपिंग इन्फॉर्मेशन और कम्प्लीमेंट्री वगैरह जो है वो हो गई, और इसके बाद हम लोगों को इस चीज़ की जरूरत पड़ी कि हम लोग पता चलाएं कि रेप्लिकेशन जो है वो किस तरीके से होती है। अब हमारे पास जो है इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ये पाई जाती है आपके पास डीएनए के अंदर। अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि इसके अगर चुके हमारे पास जो है वो कितने हैं, दो हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं, तो एक जो स्ट्रैंड है वो अलग से और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो अलग से हमारे पास जो है वो दो नई जनरेशंस बनाएगा। अगर मैं इनके साथ ये देखें, ठीक है, अब ये मेरे पास जो दो मैं ब्लू बना रहा हूँ स्ट्रैंड्स, हो सकता है ये दोनों नए हो, तो ये हमारे पास जो है एक पेरेंट स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड के साथ एक डॉटर स्ट्रैंड एक नया बन रहा है। सो ये दिस इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये क्या होती है कि दो जो स्ट्रैंड्स हैं डुप्लेक्स के सेपरेट होते हैं एक दूसरे के अंदर, और एक मॉडल और मोल्ड के तौर पर एक्ट करते हैं, और अलॉन्ग विद न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आके अरेंज होते हैं, और अल्टीमेटली जो आपके पास एक नया डीएनए जो है वो फॉर्म होता है। इस तरीके से आपके पास जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वो क्रिएट होती है। अब इसके अंदर हम लोगों ने मिजेलसन और स्टॉल का एक एक्सपेरिमेंट देखना है, ठीक है, मिजेलसन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मिजेलसन और स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या बताता है आपको, वो बेसिकली आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली स्टॉल और ये कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मैथ्यू मिजेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल जो है इन दोनों ने एक बैक्टीरिया जो है उनको ग्रो करवाया बेसिकली एक मीडियम के अंदर, जिसके अंदर वो ये देख सकते थे कि आपके पास आइसोटॉप्स जो हैं नाइट्रोजन के वो उन्होंने इंसर्ट किए हुए हैं, एक आपके पास N14 और एक आपके पास N15, ये दो आपके पास जो है वो उन्होंने इंसर्ट किए हुए हैं आइसोटॉप्स। इन आइसोटॉप्स को इंसर्ट करने के बाद उन्होंने जो है वो क्या किया, सबसे पहले उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया अपने उस पूरे कल्चर को, और उन्होंने इसके अंदर देखा कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो किस तरीके से एक स्ट्रैंड के पास जो है वो कौन सा आइसोटॉप जाएगा। तो ये आइसोटॉप्स किस तरीके से गए हमारे पास, जो मिसाल के तौर पर ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स गए थे वो अल्टीमेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन इस बेसिस की, तो नाइट्रोजन है ना, तो वो नाइट्रोजन ही आगे लगेगा न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए। सो एक के अंदर हमने देखा कि N14 जो है वो जा रहे, और हमारे पास जो दूसरा मॉल्ड है वो सेकंड जनरेशन में आपको N15 शो करवा रहा है, यानी कि 14-15 के दरमियान का एक आपके पास जो है वो हैवी मटेरियल वहाँ पे जनरेट हो रहा है, जिसने आपको अल्टीमेटली ये बताया कि आपके पास जो डीएनए की रेप्लिकेशन है यहाँ पे दैट इज सेमी कंजर्वेटिव। अब उसने इससे ना कुछ जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो जनरेट करवाए, उसने कहा कि आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ईच डॉटर डीएनए डुप्लेक्स वॉज अ हाइब्रिड प्रोसेसिंग वन ऑफ द हैवी स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट मॉलिक्यूल एंड वन लाइन, यानी उसने कहा कि जब हम लोगों ने पहले राउंड के बाद देखा रेप्लिकेशन हुई है तो आपके पास स्ट्रैंड का जो हाफ है वो पेरेंट वाला था यानी कि हैवी था, ठीक है, और जो उसका दूसरा हाफ है दैट वाज न्यू, और न्यू जो दैट वाज लाइट, यानी कि अब हम लोगों ने अगर N14 और N15 का जो है वो अलग अलग देखा है सैंपल, तो उसमें अगर 14 वाला जो है वो क्या है वो हल्का है और 15 वाला थोड़ा वजनी है, तो आपके पास जो 14 वाला है वो एक न्यू लाइट जो है आपको दे रहा है, मतलब एक न्यू और लाइट आपके पास स्ट्रैंड बना रहा है, जो 15 वाला है वो चूंकि मतलब पुराना पापी है वो पहले से मौजूद है, दैट्स व्हाई उसका जो आपके पास आगे रिएक्शन आएगा वो थोड़ा सा जो है वो लाइट होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि दूसरा जो उसने इसमें इंटरप्रिटेशन की वो ये थी कि जो हाइब्रिड डुप्लेक्स है वो रेप्लीकेट होने के बाद कॉन्ट्रीब्यूट करता है हैवी स्ट्रैंड टू फॉर्म अनदर हाइब्रिड डुप्लेक्स एंड वन लाइट स्ट्रैंड टू फॉर्म अ हाइट लाइट डुप्लेक्स, थस दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली कंफर्म द प्रेडिक्शन ऑफ वॉटसन एंड क्विक मॉडल एट डीएनए रेप्लीकेट्स इन सेमी कंजर्वेटिव मैनर। इसकी आपके पास जो है वो डायग्रामेटिक व्यू जो है वो डिफरेंट ट्यूब्स का वो आपके पास नीचे गिवन है, वो आप लोग देखेंगे, और अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जब पुट करेंगे लिखेंगे तो उसमें ये चीज़ें भी ऐड करेंगे। कल्चर आप लोगों ने बनाना है और कल्चर के बाद आपने बताना है कि टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से इसको परफॉर्म करवाया, और अल्टीमेटली जो दो रिजल्ट्स मैंने आपको बताए रिजल्ट्स आपने उसके अंदर पुट करने हैं। जो रेप्लिकेशन का प्रोसीजर है दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल, नॉट मतलब ये कोई इतना ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजीली आपको समझ आने वाला है। रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर आपको ना बेसिकली कुछ डेफिनेशन जो हैं वो याद होनी चाहिए, तो हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर हम लोग को बताता है कि आपके पास ना एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज 3 कहलाता है, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, तो पॉलीमरेज
3 जो है बेसिकली ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने का एक हमारे पास प्रिकर्सर है। ये डिफरेंट साइट्स, स्पेसिफिक साइट्स जहाँ पे स्पेसिफिक जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, वहाँ से रेप्लिकेशन बेसिकली स्टार्ट होती है। और जो अदर एंजाइम्स, कुछ और एंजाइम भी इस्तेमाल होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो ऐड करवाते हैं और ग्रो करवाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स डीएनए के। तीन तरह के हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज़ होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं, पॉलीमरेज़ 1, पॉलीमरेज़ 2 और पॉलीमरेज़ 3। तीन तरह के हमारे पास जो है वो डीएनए पॉलीमरेज़ के एंजाइम्स होते हैं। और इसमें हमारे पास होता है क्या, इनका सपोर्टिंग रोल होता है मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। सबसे पहले हम लोगों के पास जो है जो डीएनए पॉलीमरेज़ 3 है वो 10 गुना जो है वो लार्जर और फार मोर कम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर में बाकियों के निस्बत। एंजाइम जो है इज अ डायमर एंड कैटलाइजेस रेप्लिकेशन ऑफ 1 डीएनए स्ट्रैंड पॉलीमरेज़ 3 प्रोग्रेसिवली थ्रेड्स द डीएनए थ्रू द एंजाइम कॉम्प्लेक्स मूविंग एट अ रैपिड रेट सम 1000 जो न्यूक्लियोटाइड से लेकर ये हमारे पास जो है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड आपके पास जो है वो ये प्रिपेयर कर रहा होता है 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड। ठीक है, तो इसके साथ इसका मतलब क्या है कि 1000 जो न्यूक्लियोटाइड्स उनको एक सेकंड के अंदर अरेंज करवा रहा है और उसके अरेंजमेंट से जो है हमारे पास एक नया जो है वो स्ट्रैंड वो बेसिकली बन रहा है। सो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होते रहते हैं। और अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें ये फिगर नंबर 20.19 इसको अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इसमें आपको वो बेसिकली बता रहे हैं कि किस तरीके से आगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है, मैं इसको ओपन किया हुआ है, ठीक है, अब इसके अंदर से एक स्ट्रैंड जो है वो बन के निकल रहा है बाहर, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, वो बन के बाहर निकल रहा है। पॉलीमरेज़ जो है वो बेसिकली वो यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो इन फ्रेगमेंट्स को यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। फ्रेगमेंट्स आगे जाके एक और फ्रेगमेंट से अटैच हो के आपके पास एक नया स्ट्रैंड जो है उसको जनरेट करवा रहे हैं। इन जो फ्रेगमेंट्स आपके पास न्यू बन रहे हैं डीएनए के, जो उन फ्रेगमेंट्स इनके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस प्रेजेंट है उनको हम लोग नाम देते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है जी, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे वो ये है कि ये अबाउट 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग जो हैं वो आपके पास फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, और यूकेरियोट्स में ये 1000 से 2000 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। और अच्छा कि एक और मजे की बात हम लोगों ने देखनी है कि 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं इसके, जबकि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ये एक 1000 2000 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये हमारे पास जो है वो ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है कि आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरीके से हमारे पास जो है जैसे ही अच्छा कि यहाँ पे ना अगर आप देखें डायग्राम में तो डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज दोनों की एक्टिविटी आपको जो है वो लगातार होती हुई दिखाई दे रही। बेसिकली जो लाइगेज एंजाइम है ये क्या करता है, ये ज्वाइनिंग करता है, यानी कि जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस बन रहा है ना उसके साथ एक नई जो चेन है उसकी बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये ज्वाइनिंग कर रहा है, आगे जाके ये कर लोगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह दोनों लगातार एक दूसरे के साथ जो है वो जुल के एक्ट कर रहे होते हैं और नए ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बना रहे होते हैं जो कि आगे फर्दर फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, और इस तरीके से आपका जो रेप्लिकेशन का प्रोसीजर है वो चलता रहता है। स्टे ट्यून्ड लेडीज एंड जेंटलमैन।